हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। राधे कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2021 गोवर्धन पूजा शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। तो इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रों में गोवर्धन पूजा का बेहद खास महत्व है। यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आता है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 5 नवंबर शुक्रवार को है। इस दिन गाय और गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। कई जगहों पर इसे अन्नकूट भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। गोवर्धन पूजा शुभ तिथि होगी 5 नवंबर शुक्रवार को। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ होगी 5 नवंबर सुबह 2:44 पर। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा समाप्त होगी 5 नवंबर रात्रि 11:14 पर। गोवर्धन पूजा प्रातः काल शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:36 से 8:47। गोवर्धन पूजा सायंकाल मुहूर्त होगा शाम 3:22 से शाम 5:33। आइए जान लेते हैं गोवर्धन पूजा विधि के बारे में। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट पूजा जाता है। इस दिन तरह तरह के पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पर्वत के मध्य में श्री कृष्ण जी की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बतासे, जल, दूध, पान, केसर सभी पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करते हुए प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। अंत में बनाए गए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। आज के दिन कूटे गए अन्न को भगवान को भोग लगाएं। आज के दिन अन्नकूट में 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से सभी गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा चली आ रही है। आज के दिन प्रदोष काल में यानी शाम के समय पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा जरूर करें और हो सके तो गुड़ और हरा चारा भी जरूर खिलाएं। यदि आप आज के दिन ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में सुख समृद्धि और साथ ही आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। राधे राधे।